हेलो एवरीवन, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि 100% श्योर है कि क्वेश्चंस इसी के ऊपर बनता है। मैक्सिमम टाइम पे आपके ऊपर इतने सारे शिफ्ट है तो इसी के ऊपर ही क्वेश्चंस आता है। मैक्सिमम शिफ्ट में वेरिएंस और एसडी, तो उससे रिलेटेड थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और वो क्या, सपोज करो आपके पास में ऑब्जर्वेशन x1, x2, x1, x2 और xn, ये आपके ऑब्जर्वेशंस है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशंस है। अभी क्या होएगा, तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, वेरिएंस वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया, उसको सम किया, डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन है, इसको हम बोलते हैं मीन। मीन कैसे निकालते हैं, सारे समेशन कर दिए ऑब्जर्वेशन के, डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तो आपके प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अच्छा, वेरिएंस के बाद में एस डी जो है ना, एस डी निकालना है मतलब वेरिएंस ही निकालना है। वेरिएंस पहले निकाल लो और फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो। वेरिएंस पहले निकाला और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो एस डी आ जाएगा। तो ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बाय हर्ट होना चाहिए। और एस डी का प्रॉब्लम है मतलब वेरिएंस ही निकालना है, करेक्ट, एक स्टेप आगे जाना है, वेरिएंस निकाल के उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस फार्मूले से ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, मतलब यही फार्मूला अप्लाई किया, पूरा सिंप्लीफाइड किया और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने नोट किए। वो रिजल्ट क्या है उनको देखना है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका वेरिएंस डायरेक्टली आप ये फार्मूला लगा दीजिए, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, याद रहना चाहिए। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का 100 स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का वेरिएंस 50 स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एस डी, तो वेरिएंस ही निकालना पड़ेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना। तो ये तो हो गया वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसी प्रकार से वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, एन भी लिख दो यहाँ पर, एन इवन नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला बनता है एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री। और यही फार्मूला आपका बनेगा फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का भी क्या फार्मूला है, एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री। तो देखो एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के वेरिएंस के लिए, एन स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री ये दोनों के लिए सेम है, एन इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए भी यही सेम है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि वेरियंस ऑफ 0, 1, 2, 3 अप टू द n, अभी देखो ये 1 से लेके 2, 3 अप टू द n नेचुरल नंबर है, लेकिन अब इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया है, तो इसका जो वेरिएंस का फार्मूला बनता है ये बनता है n इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, n इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, n इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ये आपको याद रखना। तो ये 1, 2, 3, 4 ये एकदम बिल्कुल आपको बाई हर्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है कि जैसे मान लिया अपने ऑब्जर्वेशन तो ये है, लेकिन अब ऑब्जर्वेशन को वो चेंज करेगा, तो ऑब्जर्वेशन को चेंज करेगा तो मान लिया जाए हर एक ऑब्जर्वेशन में या तो हमने के को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या हो गया, हमारे पास में एक नया ऑब्जर्वेशन मिला है, एक नया डाटा मिला है, ओरिजिनल डाटा x1, x2, xn था, और अब हमने क्या किया है कि जो हर एक ऑब्जर्वेशन है उसमें के को या तो सब्ट्रैक्ट किया या प्लस किया है, तो इस टाइम पे वेरिएंस और एसडी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएंस एंड एसडी नो चेंज, मतलब जो पुराना ओल्ड वेरिएंस है या ओल्ड एसडी है वही इस ऑब्जर्वेशंस का एसडी या वेरिएंस रहेगा। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, अगर मान लिया जाए हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाइड किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को के से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वेरिएंस में क्या चेंज आएगा, वेरिएंस मतलब न्यू वेरिएंस,
is k square times old variance हो जाएगा, और एस डी में क्या चेंज आएगा, मॉड ऑफ के ओल्ड एस डी, मतलब ये न्यू एस डी में इस प्रकार का चेंज आएगा कि न्यू एस डी ओल्ड एस डी को हमको कैसे मल्टीप्लाइड करना है, मॉड ऑफ कैसे, स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है तो पॉजिटिव होगी, ये कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका मॉड ले लेना, तो ये मॉड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। एक तो ये, और अगर मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया एक्स वन तीसरा आ रहा है बाई के, एक्स टू डिवाइडेड बाई के और एक्स एन डिवाइडेड बाई के, तब आपका न्यू वेरियंस क्या होगा, न्यू वेरियंस हो जाएगा ओल्ड वेरियंस डिवाइडेड बाई के स्क्वेयर, और न्यू एस डी क्या आ जाएगा, वैसे ही ओल्ड एस डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ के। तो ये रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, और इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे, उसमें ये सारे के सारे रिजल्ट आप वहाँ यूज कर सकते हैं। वो रिजल्ट कैसे यूज होगा, देखो अब आपने एक एपी लिया जैसे ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, ऐसे कई टर्म्स हो सकते हैं एपी में, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। अब ये एपी को देखो, इस एपी में क्या दिख रहा है कि सब में ए ऐड हो रहा है और यहाँ डी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक्चुअली में जो ओरिजिनल डाटा रहा होगा वो ऐसा रहा होगा, कैसे, मतलब आप एक काम करो, सब में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बनेगा जीरो, ये बनेगा डी, ये बनेगा टू डी, ये बनेगा थ्री डी, ये बनेगा फोर डी, ठीक। और अब डी से डिवाइड कर दो तो ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। अब आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि एक्चुअली में ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, ये ओरिजिनल बन गया और ये आपका न्यू बन गया, ये आपका न्यू बन गया। और न्यू आया कैसे कि हर एक ऑब्जर्वेशन को डी से मल्टीप्लाई किया है और हर एक ऑब्जर्वेशन बाद में ए को ऐड किया है, इस प्रकार से आपके पास में न्यू ऑब्जर्वेशन मिला है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे इसका वेरियंस, इसका वेरियंस बोलो क्या होगा, इसका वेरियंस जीरो वन टू थ्री फोर है तो एन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व से आप इसका वेरियंस निकालेंगे, एन का वैल्यू ये फोर रहेगा, एन का वैल्यू कितना रहेगा फोर, तो फोर इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ये आपका वेरियंस आया, वेरियंस को मैंने सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में डी से मल्टीप्लाइड किया है, जब डी से मल्टीप्लाइड किया है तो इसका जो वेरियंस होगा वो डी स्क्वायर इंटू इसका वेरियंस, करेक्ट है, इसका जो वेरियंस, इसका वेरियंस आपने फार्मूले से निकाल लिया एल इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ठीक है। अब इसका वेरियंस निकालना है तो डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में इसका वेरियंस निकल गया, हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड किया है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका भी जो वेरियंस होगा वो डी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेरियंस निकाल सकते हो, और एक बार वेरियंस निकालेंगे तो आप एस डी निकाल लेंगे। तो ये सारे अच्छा, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस भी होता है जिसको हम सी बी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू हंड्रेड, ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस की बात करेगा, मतलब दो ऑब्जर्वेशन गिवन है, दो ऑब्जर्वेशंस में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा मोस्ट रिलायबल है या कौन सा मोस्ट वेरिएबल है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस आप निकाल लेंगे, मतलब एस डी तो निकालना ही पड़ेगा, एस डी निकालना है तो पहले वेरियंस निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे एस डी आ जाएगा, मीन निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़, तो फिर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस ज़्यादा होगा, मतलब जिसका वेरियंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब वो लेस रिलायबल होगा, जिसका वेरियंस कम होगा उसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई करेंगे, ठीक है, मतलब वो अच्छा कंपेरेटिवली अच्छा डाटा माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस का भी फार्मूला आपको याद रखूँ। तो देखो एस डी और वेरियंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपको मैंने बता दिया। अब जरा मीन के भी बारे में बात करते हैं। मीन,
अगर एक्स वन एक्स टू आपका ये मीन है, ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीन क्या होता है? तो मीन इसका हो जाता है एक्स बार। अगर मान लीजिए हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने के को ऐड किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में के को ऐड किया, तो इसका जो मीन हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस के, और हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने के से मल्टीप्लाइड किया, के से मल्टीप्लाइड किया, तब आपका मीन जो हो जाएगा के टाइम्स न्यू, अपना के टाइम्स ओल्ड मीन हो जाएगा। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने के से डिवाइड किया, के से डिवाइड किया, तब आपका मीन जो है वो ओल्ड मीन को के से हम डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीन में चेंजेस आते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन चेंजेस आते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसा चेंज हो रहा है वैसे मीन चेंज होगा। जैसे हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया तो मीन में भी ऐड करना पड़ेगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया मतलब सेम डाटा सेम, तो फिर मीन में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को कैसे मल्टीप्लाइड किया तो मीन में भी कैसे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और सेम चीज़ डिवीजन के लिए लागू होता है। तो ये तो मीन के लिए किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मीन चेंज होता है। लेकिन एस डी में क्या होता है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम ऑब्जर्वेशन टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो एस डी और वेरियंस में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो वेरियंस, जैसे हमने के से मल्टीप्लाइड किया हर एक ऑब्जर्वेशन को, वेरियंस क्या हो जाएगा के स्क्वायर टाइम ओल्ड वेरियंस, और एस डी क्या हो जाएगा के टाइम्स ओल्ड एस डी, जहाँ के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर ये सारे फार्मूलेज आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।